हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चंपा का प्लांट दिखाने जा रही हूँ जिसको मैंने घर पर कटिंग से ग्रो किया हुआ है। तो ये मेरा चंपा के पौधे हैं, 3-4 पौधे हैं ये मेरे। ये गुड़हल का फूल है जो पास में गमले में लगा हुआ गुड़हल का भी पौधा है जो बहुत बड़ा हो गया है। तो ये बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं जो इस पे आ जाती हैं। और ये वाला चंपा के फूल तो बड़े सुंदर हैं, वाइट कलर के और बीच में से येलो कलर के, बड़े सुंदर लगते हैं ऐसे फूल। और आप अगर चंपा की कटिंग लगाओ तो बड़ी आसानी से लग जाती है। और ये बहुत बड़े बड़े मेरे पौधे हो गए हैं, 3-4 पौधे मैंने लगा रखे हैं और गमले में ही लगा रखे हैं। और बहुत ही सुंदर और स्वस्थ खड़े हैं, बड़े बड़े इनके पत्ते हो गए हैं। और देखो ये इस तरह इस गमले में लगाया हुआ है। और इसकी इस पौधे की तो ये 3 टहनियाँ हैं जो बस मैंने इस तरह से छोटी कटिंग लेकर और इनको ग्रो किया हुआ है, जो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक टहनी लेके और उसके सारे पत्ते निकाल दो और फिर आप इस कटिंग को लगाओ तो अच्छी तरह से कटिंग लगेगी। और ये मौसम अच्छा है कटिंग के लिए। और इसके फूल देखो कितने सुंदर लगते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं इसके फूल। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी ऐसे चंपा के पौधे लगाओ। और ये इसके फूल हैं जो बहुत टाइम के लिए इस पौधे पर टिके रहते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते और बड़े सुंदर लगते हैं। तो आप चंपा का पौधा ज़रूर लगाएं।